गुड मॉर्निंग क्लास 9 स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पढ़ रहे थे व्हाई डू वी फॉल इल। इसमें मैं आपको कुछ नोट्स भेज रही हूँ और नोट्स की आपको मैं समरी बता रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊँगी क्योंकि बुक में बहुत ही लेंथी चैप्टर है और काफ़ी अननेसेसरी चीज़ें भी दे रखी है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि डिजीजेज़ के क्या कारण होते हैं। मोस्ट ऑफ़ द डिजीजेज हैव मैनी कॉजेज। जैसे हम कह सकते हैं, जब अनक्लीन वाटर गंदा पानी पी लेते हैं, हमें प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है, तो क्या होता है, हमें कई तरह की डिजीज़ हो जाती है। जैसे हमने बात की थी, देखो, इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में पढ़ा था हमने। जैसे नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है, देखिए, इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ नॉट कॉज बाय इन्फेक्शियस एजेंट, दे आर मोस्टली इंटरनल। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है। और दूसरी कैटेगरी के इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट। देखिए, हम कहते हैं कि माइक्रोब्स भी कई तरह के होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, वर्म। तो बैक्टीरियल डिजीज़ के एग्जांपल हमने पढ़े थे टाइफाइड, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस। वायरल डिजीज़ हमने पढ़ा है, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा है, डेंगू फीवर है, एड्स है, जैपनीज एंसिफिलिटिस, ब्रेन फीवर हम कह सकते हैं, फंगल डिजीज़, जैसे स्किन के जो भी डिजीज़ होते हैं वो फंगल डिजीज़ होते हैं, प्रोटोजोआ डिजीज़, जैसे प्रोटोजोआ के हमने पढ़े हैं ना, देखो, मलेरिया, लिशमानिया, स्लीपिंग सिकनेस। वर्म डिजीज़ में राउंड वर्म हो जाता है आपके स्टोमक इंटेस्टाइन में, एलिफेंटाइसिस, ये सब वर्म्स डिजीज़ हैं। द इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड्स बाय एजेंट, वो जो हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़, मतलब ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में आसानी से स्प्रेड होता है, तो इसे हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। तो इन्फेक्शन किन किन माध्यम के द्वारा होता है, देखो, एयरबोर्न डिजीज़ होती है, हवा के माध्यम से होता है, तो निमोनिया हो जाता है, कॉमन कोल्ड है, ट्यूबरक्लोसिस, इसमें टारगेट ऑर्गन हमने पढ़ा था लंग्स होते हैं। वाटरबोर्न डिजीज़, गंदा पानी पी लेते हैं तो आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, लीवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हमने पढ़ा था वाटरबोर्न डिजीज़ में हेपेटाइटिस हो जाता है, कॉलेरा हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं। सेक्सुअल डिजीज़ जिसे हमने पढ़ा था फिजिकल कॉन्टेक्ट से, जैसे HIV है। एनिमल बोर्न डिजीज़ जैसे रेबीज़ है, जिसमें कोई वेक्टर होता है। वेक्टर क्या करता है, वेक्टर एक एनिमल होता है जो कि इन्फेक्शन को कैरी करता है और सिक से, बीमार आदमी से, किसी भी हेल्दी पर्सन को इफ़ेक्ट कर सकता है। नाउ व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट, तो हम कहते हैं कि भाई ठीक करना है बीमारी को, तो एंटीबायोटिक्स डॉक्टर लिखते हैं। एंटीबायोटिक जो है, मैंने आपको बताया, बैक्टीरिया पे तो अच्छे से वर्क कर लेती है, वो बैक्टीरिया जो है सेल वॉल बनाता है अपने आप को बचाने के लिए, तो ये उस प्रोसेस को रोक देती है। एंटीबायोटिक के एग्जांपल मैंने पेनिसिलिन बताया आपको। एंटीबायोटिक जो है ना, डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। एंटीवायरल मेडिसिन इज़ हार्डर दैन मेकिंग एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन, बिकॉज वायरस हैज़ ओनली फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म ऑफ देयर ओन। वायरस एक्चुअली क्या होता है, खुद का बायोकेमिकल मैकेनिज्म बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, क्योंकि वो खुद जो है जिस सेल में जाते हैं, हॉस्ट सेल का बायोकेमिकल मैकेनिज्म यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जैसे दूसरी मेडिसिन हम क्या लेते हैं, अदर मेडिसिन ब्रिंग डाउन फीवर, फीवर को कम कर देता है, पेन को कम कर देता है, लूज मोशन को बंद कर देता है। वी कैन टेक बैड रेस्ट टू कंजर्व एनर्जी, हम डॉक्टर हमें रेस्ट की सलाह देता है ताकि हम एनर्जी को कंजर्व कर सकें, बचा सकें, ताकि फिर बॉडी क्या करती है, हीलिंग का काम करती है। नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन में पढ़ेंगे, फॉलोइंग 3 लिमिटेशंस आर नॉर्मली कॉन्फ्रंटेड वाइल ट्रीटिंग एन इन्फेक्शियस डिजीज। वंस समवन हैज़ डिजीज, देयर बॉडी फंक्शंस आर डैमेज्ड एंड मे नेवर रिकवर कम्प्लीटली। अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो उस पर बॉडी का जो फंक्शन है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होगा, डैमेज भी हो सकता है और रिकवर होने में भी टाइम लगता है। ट्रीटमेंट विल टेक टाइम, अगर हम ट्रीटमेंट करेंगे उसमें भी टाइम लगेगा। मीन्स दैट समवन सफरिंग फ्रॉम ए डिजीज़ इज़ लाइकली टू बी बैड रिडन, उसको जो है बैड रेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, फिर हमें उसे प्रॉपर ट्रीटमेंट भी देना पड़ेगा। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस डिजीज़ कैन सर्व एज ए सोर्स फ्रॉम वेयर इन्फेक्शन में स्प्रेड टू अदर पीपल। किसी पर्सन को अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हुआ हुआ है, जैसे अभी लेटेस्ट कोरोना वायरस जैसे किसी को हुआ हुआ है, तो वो दूसरे के संपर्क में आएगा तो दूसरे को भी इन्फेक्टेड कर देगा। नाउ जनरल वेज ऑफ प्रिवेंटिंग, तो किस तरह से इन्फेक्शन को रोका जाए,
अगर देखो एयरबोर्न डिजीज़ हो रही है तो हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, वी हम जैसे कोई भी भीड़ भाड़ वाली जगह से बचना चाहिए. वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग लिविंग कंडीशन दैट आर नॉट ओवर क्राउडेड. वाटर बोर्न, अगर पानी से बीमारी हुई तो हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए, हमें उसको जो है माइक्रोब्स को किल करके पीना चाहिए. वेक्टर बोर्न डिजीज़ है, जैसे कोई मलेरिया डिजीज़ हुई सपोज, तो मच्छरों से फैलती है, तो वेक्टर मच्छर जो वेक्टर है तो हमें ऐसी कंडीशंस रखनी चाहिए जिससे मच्छर पनपे नहीं. मीन्स वी कैन प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट विच वुड नॉट अलाउ मॉस्किटोज ब्रीडिंग. तो ये आपके हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन. नाउ द लास्ट टॉपिक, इम्यूनिटी. इम्यूनिटी तो आपको सबको पता ही है. इवन इन सेल्स देर इज ए रिपेयर मैकेनिज्म. सेल्स के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर रिपेयर मैकेनिज्म होता है जिसे हम बोलते हैं इम्यूनिटी. इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इन्फेक्शस एजेंट. इम्यून सेल्स जैसे WBC होते हैं, वो जो भी इन्फेक्शस एजेंट है, वायरस है, बैक्टीरिया को, उसको वो मैनेज करता है हाउ टू किल. नाउ स्मॉल पॉक्स डिजीज इज एलिमिनेटेड बाय डेवलपिंग मेमोरी सेल फॉर पर्टिकुलर इन्फेक्शन बाय, इसमें भी कोई प्रोसेस होता है देखिए. तो ये हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी जो है ना, हर डिजीज़ के लिए अलग जो है बॉडी सेल बनाती है उसको, उससे फाइट करने के लिए. ठीक है, अब वैक्सीनेशन भी होता है. वैक्सीनेशन में क्या होता है, देखो द बेसिस ऑफ इम्यूनाइजेशन. इफ़ यू हैड स्मॉल पॉक्स वन, अगर आपको एक बार स्मॉल पॉक्स हो जाता है, देर वॉज नो चांस ऑफ सफरिंग फ्रॉम इट अगेन. तो आपको दोबारा जो है आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे कि दोबारा भी आपको स्मॉल पॉक्स हो. प्रॉपर न्यूट्रिशन इज असेंशियल टू मेंटेन बॉडी इम्यूनिटी. आपको बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन रखने के लिए तो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना ही पड़ेगा. देर आर वैक्सीन्स अगेंस्ट टिटनस, डिप्थीरिया, वोपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो और भी कई डिजीज़ के लिए वैक्सीन्स आ चुकी है. और वैक्सीन्स लेने से आपकी बॉडी डिजीज़ से हम उसको बचा सकते हैं. ठीक है, अब हम साथ में लास्ट में स्लोगन कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज़ बेटर देन क्योर. कोई डिजीज़ से अगर हम जितना बच सकें तो बेटर होगा. एक तो डिजीज़ होने पे उसको ठीक करो, क्योर करो, दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इज़ बेटर देन क्योर. उसके लिए हाइजीन इज़ द बेसिक की टू मेंटेन गुड हेल्थ. हाइजीन जो है, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा टू मेंटेन योर गुड हेल्थ. ओके, नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. थैंक यू.